देश भर के विभिन्न ज्योतिर्लिंगों, मठों आदि से जुड़े हुए शिव भक्त तथा कार्यक्रम में उपस्थित देश भर के सभी मुख्यमंत्रीगण, सभी माननीय राज्यपालगण, आदरणीय सांसदगण, सभी केंद्रीय मंत्रीगण, सभी देश के सभी प्रदेशों से जुड़े हुए सभी विधायकगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम देवभूमि उत्तराखंड की 125 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में पधारने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे शास्त्रों में केदारपुरी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, महाद्री पार्श्वे च तटे रमंतम संपूज्य मानम सततम उन्द्रे सुरासुरे यक्ष महोर गाधे केदार मिशम शिव मेघ मीणे। अर्थात जो भगवान शिव पर्वतराज हिमालय के समीप मंदाकिनी के तट पर स्थित केदारखंड नामक शिखर में निवास करते हैं तथा मुनियों के द्वारा हमेशा पूजित देवता असुर यक्ष किन्नर और नाग आदि भी जिनका पूजन किया करते हैं, उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ शिव को मैं नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमालय तथा यहाँ के स्थित मंदिरों से विशेष लगाव रहा है, चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो अथवा केदारपुरी में तप एवं ध्यान साधना हो। यहाँ की भूमि से आपने सदैव एवं एक असीम आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा प्राप्त की है, जिसने आपको निरंतर भारतवर्ष के समग्र कल्याण रहने की शक्ति प्रदान की है। गरुण चट्टी में आपके द्वारा की गई साधना को कौन भूल सकता है, जब आप प्रतिदिन गरुण चट्टी से भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आते थे। आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की पुनर्निर्मित समाधि और उनकी भव्य तथा दिव्य प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हिंदू धर्म संस्कृति में आदि गुरु शंकराचार्य जी को कौन नहीं जानता, वे भारत की राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक चेतना के सूत्रधार थे। कलयुग में वे भगवान शंकर के साक्षात अवतार थे। उन्होंने हिंदू धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम एवं बद्रीनाथ के रूप में 4 मठों की स्थापना कर पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारतवर्ष को आध्यात्मिक, धार्मिक व सामाजिक एकता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। भारत की गौरवशाली संस्कृति, परंपराओं, वेदों एवं उपनिषदों के असीम ज्ञान के संरक्षण एवं संवर्धन का श्रेय किसी को जाता है तो वो आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाता है। उनकी इसी महान परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य जो सैकड़ों वर्षों में नहीं हो पाया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार कराया था, वहीं केदारनाथ धाम में ही अल्प आयु में देह त्याग कर मोक्ष की भी प्राप्ति की थी। इतनी कम आयु में इतने महान कार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी कर सकते थे। 2013 की जब भीषण आपदा यहां आई थी, उस समय का दृश्य आप सब लोगों ने देखा था, आप सब उसको जानते हैं। आज उनकी समाधि भी पूर्ण रूप से इस आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज उनकी समाधि का पुनर्निर्माण और उनकी दिव्य प्रतिमा की स्थापना संपूर्ण देश की ओर से आदि गुरु शंकराचार्य जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। सदियों पश्चात हो रहे इस महान कार्य के लिए आज संपूर्ण देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना साधुवाद प्रेषित कर रहा है। श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण एवं आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के लिए आदि गुरु जैसी ही जिजीविषा, संकल्प और धैर्य की आवश्यकता थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में आज हमारे सामने परिलक्षित हो रही है। आज का दिन भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज भी मुझे 2013 की जो भयानक त्रासदी का दौर है वो याद है, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपने सर्वप्रथम उत्तराखंड की सहायता के लिए और केदारपुरी के पुनर्निर्माण के लिए आप आगे आए थे, आपने हाथ बढ़ाया था। कहा जाता है कि भगवान को भक्त से अधिक कोई प्रिय नहीं होता है। यह भगवान शिव का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने अपने परम भक्त को अपने धाम के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए चुना है।
श्री केदारपुरी का पुनर्निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जो कि आपके विजन नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये बाबा केदार और देवभूमि के प्रति आपका विशेष अनुराग ही है, जिसके कारण से पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण के कार्य केदारनाथ में हुए हैं। आपके निर्देशन में केदारपुरी में जहां प्रथम चरण में 225 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिसका आज आपके द्वारा लोकार्पण होना है, वहीं 184 करोड़ रुपए के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान है। जब यह द्वितीय चरण का काम पूर्ण हो जाएगा, अप्रैल माह से तृतीय चरण का काम भी प्रारंभ होगा। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए 245 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत आपके निर्देशन में हो चुकी है, वहीं गंगोत्री या यमुनोत्री के लिए भी करोड़ों रुपए के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, जो सोचते हैं, वही अंतोगत्वा करते हैं। यह सभी पुनर्निर्माण कार्य सिर्फ ईंट बालू पत्थर एवं इस्पात की संरचनाएं नहीं है, बल्कि एक स्वप्न दृष्टा व दूरदर्शी नेता के विजन को साकार प्रतिरूप है। चाहे वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर परिसर का विकास हो, या केदारपुरी के पुनर्निर्माण का कार्य हो, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और मार्गदर्शन का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत एक भारतीय संस्कृति का मान सम्मान एवं स्वाभिमान संपूर्ण विश्व के अंदर बढ़ रहा है, तथा भारत विश्व गुरु के पद पर पुनः आरूढ़ होने के लिए तैयार हो रहा है। 21 जून को पूरे विश्व के अंदर मनाया जाने वाला, आयोजित किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए आपने देश को नई दिशा प्रदान की है। देश में जो कार्य कभी नामुमकिन से प्रतीत होते थे, वो सारे के सारे आज पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, या शक्तिशाली भारत के संपूर्ण विकास की बात हो, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तराखंड के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप उत्तराखंड की छोटी समस्या से भली भांति अवगत हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे प्रदेश के अंदर भारी वृष्टि होने के कारण से कई जनपदों में व्यापक जनहानि हुई है। तब भी आपने नियमित रूप से दूरभाष पर मुझसे आपदा के संबंध में और बचाव कार्यों की लगातार आप समीक्षा करते रहे हैं। आपने तुरंत 3 एयरफोर्स के यहाँ पर हेलीकॉप्टर भेजे, और 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से हमारे यहाँ पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। उसमें तमाम लोग जो है सेना के भी जो है आपके निर्देशन में यहाँ पर काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार के सहयोग से आज ऐसे बहुत से काम हुए हैं जो पहले नामुमकिन लग रहे थे। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, अन्य पर कार्य चल रहा है। हम पहाड़ में रेल पहुंचाना और रेल को देखना भी एक सपना होता था। अभी भी मैं पिछले दिनों देवाल के बच्चों से मिला था, जिन्होंने अभी तक भी रेल नहीं देखी थी। वो पिछले वर्ष देहरादून रेल देखने के लिए आए थे। तो जहां मोदी जी ने सपने को साकार किया है पहाड़ में रेल को देखने का, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। वही सामरिक एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना जो 154 किलोमीटर की है, टनकपुर से बागेश्वर, उस योजना को भी आपके निर्देशन में मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरह 4 धाम ऑल वेदर रोड है भारतमाला प्रोजेक्ट पर तीव्र गति से काम चल रहा है। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए लाइफ लाइन है, और यह परियोजना है जहां 4 धाम यात्रा को सुगम बनाएंगी, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देंगी, वहीं हमारी अर्थव्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाएंगी। आज इस मंच के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि की समस्त जनता की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इस सैटेलाइट सेंटर के खुलने से उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों तथा सीमांत और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों को, और साथ में हमारे पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी अपना इलाज करवाने में अत्यंत फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हवाई सेवाओं के साथ उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है।
पिछले दो वर्षों से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, परंतु आपके नेतृत्व में जहां हमने एक ओर इस महामारी से डटकर मुकाबला किया है, वहीं विकास की गति को भी आगे बढ़ाया है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन अभियान सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन चल रहा है। पूरी दुनिया आज इसकी सराहना की जा रही है। हमारे प्रदेश ने सफलतापूर्वक कोविड की प्रथम चोट को लगाने का लक्ष्य समय से पूर्व ही 100% प्राप्त कर लिया है। सातवीं दूसरी डोज भी 50% से अधिक लगाने में हम सफल हो चुके हैं। शिक्षा, जन स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी, रोजगार, महिला एवं बाल विकास, खेती किसानी, सिंचाई, हर क्षेत्र में उत्तराखंड ने पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व तरक्की की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं वो भूतो न भविष्यति। हमारी सरकार जहां 24,000 सरकारी पदों पर भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नैनो उद्यम योजना के माध्यम से लाखों बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी से प्रभावित पर्यटन, चिकित्सा, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों को 600 करोड़ रुपए से भी अधिक के पैकेज हमारी सरकार द्वारा दिए गए हैं। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के खातों में भेजने का काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना, उत्तराखंड में अभी तक 44 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। इस योजना से 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग अभी तक अपना इलाज करवा चुके हैं, लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही 460 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक इसमें खर्च हो चुकी है। हमारी सरकार ने सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि, इन 4 मंत्रों को लेकर जीरो पेंडेंसी और सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया है, जिससे लंबी समस्याओं के समाधान में सहायता मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार हम वर्ष 2035 तक, जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा, हम सिल्वर जुबली जब मना रहे होंगे, उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष उस वर्ष मना रहा होगा, तब हम देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसके लिए हम विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को ध्यान में रखकर दिन रात कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा किए गए दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और